तो चलिए बिना गैस जलाए 5 मिनट में बनाएंगे एक मिठाई। नाम आप सजेस्ट कर दीजिए कि इसको आप क्या देंगे, बट बहुत ही यूनिक सी कोकोनट वाली हम मिठाई बना रहे हैं, बहुत डिलीशियस है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कसा हुआ जो सूखा वाला नारियल आता है वो लिया है, और मैंने 1/4 कप ही लिया है मिल्क पाउडर का, और मैंने लिया है यहाँ पे चीनी, थोड़ी सी चीनी ऑप्शनल है, अगर आप बहुत कम पसंद करते हैं तो मिल्क पाउडर में होती है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले रही हूँ मलाई, और बस इन चीज़ों को ना मिक्स कर लेंगे अच्छे से, हम गूंथ लेंगे आटे की तरह, तो बहुत ही डिलीशियस मिठाई बनती है, यूनिक सी मिठाई है, बिल्कुल कोई गैस नहीं जलाएंगे। अगर आपके बच्चे किसी कॉम्पिटिशन में ले रहे हैं पार्ट तो ये मिठाई ज़रूर बनाइए। इसको आटे की तरह गूंथ लेंगे, मलाई उतनी ही डालनी है जितना गूंथना है, आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, फिर ना आपको चीनी डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने इसको गूंथ लिया है, थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ यहाँ पे, आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर डाल सकते हैं, या आप कलर को स्किप भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर बीट रूट का हल्का सा जूस भी डाल सकते हैं, या बीट रूट पाउडर जैसे हमने बनाया था ना वो भी डाल सकते हैं, बट यहाँ आज मैं कलर के साथ ही बना के दिखा रही हूँ आपको। तो बस इस तरह से ना दो गोले बन जाएंगे, मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं बना रही हूँ। अब एक और डो बनाएंगे, जिसके लिए हम 1/4 कप ही मिल्क पाउडर का फिर से लेंगे, ये 1/2 कप हो गया है, एक्चुअली मैंने 2 1/4 लिए हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डाली और थोड़ा सा देसी घी डाला और मलाई डाल दी है यहाँ पर फिर बाइंडिंग के लिए, और कोकोनट और भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ नहीं डाला है क्योंकि कोकोनट ना ऑलरेडी है डाला हुआ। तो इस तरह से इसको फिर इसको भी एक डो में कन्वर्ट कर लेना है हमने, और ना थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप चाहो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा टेस्ट देता है। तो ये लीजिए, फिर इसको गूंथ लेंगे बहुत अच्छे से, बहुत गिर रहा था ये इधर उधर क्योंकि प्लेट ना डीप नहीं ली मैंने, तो आप थोड़ा सा डीप बर्तन लीजिए। तो ये देखिए बस इकट्ठा हो गया है, बहुत छोटी छोटी सी हम लोइयाँ 3 निकाल लेंगे और 2 बड़ी लोइयाँ निकाल लेंगे, मतलब 2 के बराबर 2, क्योंकि उधर भी हमने 2 लोइयाँ ली हैं। इसमें हम ऑरेंज कलर डाल लेंगे जो 2 लोइयों वाला है, तो इसको हम ऑरेंज कलर में सेट कर लेंगे। एक हमने हल्का सा पिंक कर लिया है, एक हमने ऑरेंज कर लिया है, बहुत ही अच्छी यूनिक सी मिठाई बनती है। इनमें भी कलर कर लेंगे, एक में येलो कर लेंगे, एक में ग्रीन कर लेंगे, तो इनको इकट्ठा कर लेंगे हम, एक वाइट ही रहने देंगे। तो ये डिज़ाइनिंग देने के लिए आपने मिठाई शुरू में देखी होगी, तो अगर आपने अभी तक गणपति जी के लिए मोदक वगैरह नहीं बनाए हैं तो रेसिपीज़ देख लीजिए, लड्डू की रेसिपीज़ भी हैं। तो ये देखिए, ऑरेंज कलर को ऐसे किया और कोकोनट वाले डो को अंदर रखा, और शेप कोई भी दे लीजिए, आपने देखा होगा मटकी की शेप भी दी होती है किसी ने, तो आप कोई सी भी शेप इसको दे सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह से डो को कर दीजिए अंदर बंद और गोले बना दीजिए, बहुत ही आराम से बन जाते हैं। एक वाइट बच गया है, इसको हम अलग ही रख लेंगे। तो इस तरह से मैं बिल्कुल गोल गोल गोले बना दूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से प्रेस कर लेंगे हम, मटकी की शेप आ जाएगी। तो इस तरह से साइड से कोई भी देखिए, इस तरह से इकट्ठा कर दीजिए, मटकी की शेप भी आ सकती है, मैंने नॉर्मली शेप रखी है, आप कोई सी भी शेप देना चाहें इसको दे सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह से इकट्ठा किया, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बाहर से, बिल्कुल मिल्क पाउडर की कोटिंग और पेड़े जैसा फ्लेवर आएगा, और अंदर से आपको कोकोनट का फिलिंग है, तो बहुत डिलीशियस सा टेस्ट आता है। आपके बच्चे अगर किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं, नो बेकिंग या नो गैस यूजिंग, तो फायरलेस कुकिंग बहुत अच्छी बनती है। तो अब जो छोटी छोटी गोलियां रखी थी ना, उसकी लंबी लंबी सी इस तरह से हम लड़ियां बना लेंगे, जिससे हम बाहर उसके करेंगे डेकोरेट। एक वाइट रखी है, ग्रीन है और येलो है। तो इस तरह से ये देखिए, कोई भी डिज़ाइन बनाइए, खाना तो है ही बट देखने में भी सुंदर लगना चाहिए। तो आप देखिए, अगर कलर यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से कोई सा भी कलर बनाइए, भगवान को कोई भी भोग लगाएंगे उनको प्रिय है। आप इसको मोदक वाले मोल्ड में डाल के भी बना सकते हो, मोदक बना दीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से डिज़ाइनिंग बाहर कैसी मर्जी लगाइए, और आप यही सारा डिज़ाइन मोदक मोल्ड में डाल के मोदक के साथ भी बना सकते हो। तो 3-4 कलर का इस तरह से मोदक बन जाएगा। तो ये लीजिए, तैयार है, ऊपर आप किसी भी तरीके से डेकोरेट करिए।
ये वाइट वाला है जो इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन गोल कर दूंगी, फिर कुछ भी शेप बना दूंगी इसकी भी। और बीच में रखी है हमने चेरी, ये करौंदा चेरी है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ये वाली जो रेसिपी है ना इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।